हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईआर डॉट मार्केट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई वन प्लस की जो लेटेस्ट सीरीज है, जैसे कि वन प्लस 11 है, वन प्लस 11 आर है। तो गाइस, आप लोगों का एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि सर हमें ये बताइए कि हमारे मोबाइल में स्टेबल अपडेट कब तक आ जाएगा। लेटेस्ट जो मेजर अपडेट हमें देखने को मिला है ऑक्सीनोएस 14 का। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक फुली डिटेल्स वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। तो गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वन प्लस 11R सीरीज के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजर्स ने मुझे यहाँ पर कमेंट किया है, क्योंकि गाइज वन प्लस 11 सीरीज के लिए यहाँ पर स्टेबल अपडेट रोल आउट कर दिया है वन प्लस ने। और ये जो अपडेट है करीबन 16-17 नवंबर के आसपास यहाँ पर रोल आउट किया था आफ्टर दिवाली। और गाइज, अभी जो वेट है वन प्लस 11R के सीरीज के लिए वेट है कि यहाँ पर स्टेबल अपडेट कब तक रोल आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि गाइज बीटा 2 अपडेट यहाँ पर वन प्लस 11R के लिए वन प्लस ने रोल आउट किया था। लेकिन गाइज, अभी रिसेंटली अगर देखें तो ऑक्सीनोएस 13.1 का अपडेट यहां पर वन प्लस 11R सीरीज के लिए प्रोवाइड किया है वन प्लस ने। उस अपडेट के अंदर ओनली आपको यहां पर एंड्रॉइड का सिक्योरिटी पेज देखने को मिला है। और गाइज, ये अपडेट काफी ज्यादा यूजर्स को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली रोल आउट किया है, तो अभी काफी ज्यादा यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिला है ऑक्सीनोएस 13.1 का। और गाइज, ऐसे में कई सारे यूजर्स ये वेट कर रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीनोएस 14 का अपडेट कब आएगा, क्योंकि गाइज उन यूजर्स ने वीटा अपडेट को अलाउड नहीं किया है, अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं किया है, इस वजह से उनको वेट है ऑक्सीनोएस 14 का। तो गाइस, मैं आपको बता दूं यहां पर कि जब तक टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो जाती है वन प्लस की, तब तक आपको स्टेबल अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। चाहे फिर भाई उनको वीटा 3 लेके आना पड़े या वीटा 4 लेके आना पड़े, वो लेकर आएंगे। जब तक उनको इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जब तक इश्यूज पकड़ में आ रहे हैं, तब तक वो आपको स्टेबल डायरेक्टली अपडेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो गाइस, अभी बीटा 2 टेस्टिंग की प्रोवाइड यहाँ पर वन प्लस 11R के लिए प्रोवाइड किया गया था। उसकी टेस्टिंग पूरी हो जाने के बाद अगर उन्हें लगेगा कि हाँ अभी भी इसमें कुछ गतिविधियाँ हैं बाकी, और इसमें कुछ परफॉर्मेंस को लेकर या बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, कैमरे को लेकर, सब चीज़ें अगर प्रॉपरली काम कर रही है, दैट्स इट, तो वहाँ पर आपको स्टेबल अपडेट देखने को मिल जाएगा विद इन 10-15 days के अंदर। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि कुछ एरर या कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं जिससे वन प्लस वहाँ पर बीटा 3 अपडेट भी रोल आउट कर सकता है वन प्लस 11R सीरीज के लिए। तो गाइज, ये सिर्फ उस सीरीज के लिए नहीं है, ये आने वाले जितने भी सीरीज हैं, चाहे फिर वो 10 हो, 9 हो, उन सीरीज के लिए यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि आपको सिर्फ आपको स्टेबल अपडेट का वेट करना है, जल्दबाजी नहीं करना है कि कहीं से आपको थर्ड पार्टी लिंक्स मिल जाए तो वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल को इंस्टॉल कर लें। ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्टली लिंक के थ्रू नहीं, आपको डायरेक्टली अपडेट आपके अबाउट सेक्शन में, जो अपडेट सेक्शन होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको एक बार में डाउनलोड, एक बार में इंस्टॉल करना है। क्योंकि गाइज, अगर आप उस अपडेट को बीच में आधा आधा करके करते हैं, क्योंकि गाइज मेजर अपडेट हमेशा 4-5 GB से ऊपर के रहते हैं, तो गाइज आपको वो अपडेट एक बार में डाउनलोड, एक बार में इंस्टॉल कर लेना है। और अभी जो रिसेंटली अपडेट आया है वो 940 MB के समथिंग का आया है वन प्लस 11R के लिए 583, जिसके अंदर यहाँ पर आपको नवंबर का सिक्योरिटी पेज देखने को मिला है। तो गाइज, अगर ये अपडेट आपको मिल जाता तो आपको ये अपडेट तो कर ही लेना है, बाकी आपको ऑक्सीनोएस 14 का अपडेट भी 110% मिलेगा जब वन प्लस उसको स्टेबल अपड आउट रोल आउट कर देगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ बहुत ऐसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो से, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।